हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे Realme 11 Pro Plus के बारे में और साथ ही साथ इसके लॉन्च डेट के बारे में भी बताऊंगा दोस्तों, और इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं वो सब जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस मोबाइल के स्पेस के बारे में। इस मोबाइल के रैम में दोस्तों 12 GB रैम दी गई है और इसमें MediaTek Dimensity 750 का प्रोसेसर है, और इसके रियल कैमरा में 200 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP है, और इसके फ्रंट कैमरा में 32 MP दिया गया है, और इस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी दी गई है दोस्तों, और इस मोबाइल की डिस्प्ले 6.70 inches है। अब हम जानेंगे दोस्तों इस मोबाइल के लॉन्च डेट के बारे में। लॉन्च डेट के बारे में जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ये मोबाइल 8 जून को लॉन्च हो सकता है दोस्तों, और इस मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड वी 13 पर है। अब हम बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें MediaTek Dimensity 750 का चिपसेट दिया गया है दोस्तों, और इसमें CPU ऑक्टा कोर 2.6 GHz डुअल कोर है। इस मोबाइल में 64-bit आर्किटेक्चर दिया गया है दोस्तों, और 6 nm का फैब्रिकेशन। इसमें माली G68 MC4 ग्राफिक्स दी गए है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसके डिस्प्ले के बारे में। हमें यहाँ पे बड़ी सी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 6.70 inches की है, और इसमें 20:9 का एक्सेलर रेशियो है, और इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट है। अब देखेंगे इस मोबाइल की डिज़ाइन के बारे में। इस मोबाइल की हाइट 161.6 nm है, और इसकी वेथ 33.9 mm, और इस मोबाइल की थिकनेस 8.2 mm, और इस मोबाइल का वेट 183 ग्राम है दोस्तों। और इसमें कलर हमें सिटी ऑफ सनराइज, सिटी ऑफ ग्रीन फाइल्स और स्टेरी नाइट ब्लैक देखने को मिल सकता है दोस्तों। और इस मोबाइल के रियर कैमरा की बात करेंगे दोस्तों, इस मोबाइल के बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी कैमरा 200 MP का है जो वाइड एंगल है, और सेकेंडरी कैमरा 8 MP का है जो अल्ट्रा वाइड एंगल है, और तीसरा कैमरा जो है दोस्तों वो 2 MP का दिया गया है जो कि माइक्रो कैमरा है। और आप इस मोबाइल के कैमरा से दोस्तों 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और Full HD 60fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और HD 240fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस मोबाइल के फ्रंट कैमरा के बारे में। इस मोबाइल के फ्रंट कैमरे में 32 MP का कैमरा दिया गया है जो वाइड एंगल है, और आप इससे Full HD 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और HD 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल की बैटरी के बारे में। हमें इस मोबाइल में 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, क्योंकि इसमें फ्लैश 100V क्विक चार्जिंग के साथ आता है। और इसमें स्टोरेज की बात करेंगे दोस्तों, इस मोबाइल में दोस्तों हमें 256 GB तक इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, और इस मोबाइल में एक्सपेंडेबल मेमोरी स्लॉट नहीं दी गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस मोबाइल के सेंसर के बारे में। इस मोबाइल में इन फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है दोस्तों। आपको ये मोबाइल Realme 11 Pro Plus अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा।